बैक टू सिंह ऑर्थोडॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आप फिर से आ चुके हैं मेरे चैनल पे और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीप कंपस ऑटोमेटिक है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 31.5 लाख रुपए इसकी एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड समथिंग 35 to 40 के बीच में वेरी कर जाएगा तो वो आपको देखने को मिल जाती है। सबसे अमेजिंग बात इस गाड़ी की अगर मैं बताता हूँ तो इसके लुक्स जो कि अमेजिंग है, सबसे प्रीमियम लोगों के लिए, सबसे प्रीमियम गाड़ी, इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सामने से इसके लुक्स को देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा एक डिसेंट फील आता है, इसमें एक लग्जरी फील आता है। वैसे ही इसकी की आती है, की के अंदर भी बहुत शानदार से फीचर दिए जाते हैं, जैसे लॉक अनलॉक के फीचर्स में दिए जाते हैं, डिग्गी टेल गेट वगैरह भी ओपन इसमें आप कर सकते हो तो वो सारे फीचर्स में आते ही आते हैं। बहुत ही बड़ी सी सनरूफ आपको इसमें देखने मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने मिल जाता है, ऑटो फोल्ड ORVM का सेटअप इसमें देखने को मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार टायर प्रोफाइल इसमें दी जाती है और ओवरऑल लुक के मामले में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है। तो गाइस फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही शानदार सी फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक तरीके से 7 कलर ये दिख जाते हैं जो कि इसकी USP है, सिग्नेचर है, जो कि ग्रिल के साथ में आता है, वेंटिलेटर ग्रिल आपको नीचे देखने को मिल जाती है। नंबर प्लेट की स्पेसिंग आपको यहाँ पे दी जाती है और बहुत ही शानदार सा लुक आता है फ्रंट का। कुछ कुछ वेरिएंट्स में एसेसरीज आप इसमें लगवा सकते हो, जो कि ये जो ग्रिल्स है इसमें आप क्रोम का ट्रीटमेंट या क्रोम का ट्रीटमेंट भी आप इसमें ले सकते हो। लाइट सेटअप बहुत ही ज़्यादा शानदार दे रखा है, टो हुक भी इसमें नीचे की तरफ ही दिया जाता है, सामने में आपको यहाँ पे टो हुक वगैरह देखने मिल जाता है। बहुत ही शानदार सा LED सेटअप के साथ में इसको आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है और हेडलैम्प वगैरह का सेटअप मिल जाता है, DRS वगैरह और इंडिकेटर्स भी इसी में आपको माउंट देखने को मिल जाते हैं। फॉग लैंप का सेटअप आपको नीचे दे रखा होता है। तो ये होती है ओवरऑल इसकी फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे आपको वॉशर दिए जाते हैं और रेन सेंसिंग वाइपर का सेटअप यहाँ पे दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बारिश जितनी ज़्यादा तेज होती है उतनी स्पीड से ये रन करने लग जाते हैं। सेंसर इसका ऊपर दिया होता है और ऊपर ही आपको सनरूफ प्रोवाइड करेगी है। फंक्शनल रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इसमें स्पेसिंग दी जाती है, ऊपर आप कुछ भी एड ऑन करवाना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप करवा सकते हो। टायर प्रोफाइल जो कि किसी भी गाड़ी की एक जान होती है जो लुक्स को एनहांस करते हैं, तो टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है वो मिलती है 225/55 R18। ये आपको टायर प्रोफाइल देखने मिल जाती है डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ में। चारों ही टायर्स में आपको ABS सिस्टम देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। हिल होल्ड क्योंकि ऑटोमेटिक है, हिल होल्ड डिसेंट कंट्रोल वगैरह या ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। कंपस की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, डार्क कलर की बैजिंग आपको देखने में मिलती है और नीचे में आपको क्लैडिंग प्रोवाइड करी जाती है प्रोटेक्शन के पर्पज से। 360 कैमरा का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। ORVM में माउंट आपको कैमरा देखने में मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स भी इसी में आपको माउंट होते हुए मिलते हैं, बट एक चीज जो इसमें कम रह जाती है वो रह जाती है इसमें ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट। ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर, इस गाड़ी की सबसे शानदार जो बात मेरे को लगती है वो है रिक्वेस्ट सेंसर। अब जब मेरे पास हाथ में की है, मेरे को कोई भी इस गाड़ी को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इसमें हाथ डालूंगा और इसमें लाइट जलने लग जाती है और मैं इसको ऑटोमेटिकली ओपन कर सकता हूं। अगर मैं फ्रंट में लेकर के जाऊं, जैसे फ्रंट में इसकी लाइट कैसे जलती है तो कैसे दिखा सकता हूं कि मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना, की मेरे साथ में होनी चाहिए या मेरी पॉकेट में भी होगी। जैसे अभी मैं की को पॉकेट में डाल लेता हूं और सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसके डोर हैंडल में हाथ डालूंगा और वहां पे लाइट ब्लिंक करेगी। इस तरीके से मैं डालता हूँ, इस तरीके से ब्लिंक मतलब अनलॉक हो चुकी है, तो मैं इसको सिंपली ओपन कर सकता हूँ। इधर साइड आपको देखने को मिल जाता है ये सारा ऑप्शन और ये बनाता है कुछ लग्जरी फीचर्स लग्जरी लोगों के लिए। बैक में आते हुए आपको कुछ शानदार शानदार चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि टेल लैम्प जो कि बहुत ही शानदार और लग्जरी है अपने आप में, बहुत महंगी आती है वैसे, अगर टूट गई तो बहुत भारी पड़ती है, तो ये टेल लैम्प बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलती है। LED आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है और इंडिकेटर हेलोजन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। 4x4 की बैजिंग आपको नीचे देखने मिलती है। यस गाइस, ये 4x4 आती है और एक SUV इस शानदार तरीके से डिज़ाइन, वो भी 4x4 में, तो भाई ये अपने आप में पावरफुल गाड़ी बन जाती है 4x4 के ऑप्शन के साथ में। ऊपर आपको शार्प फिन एंटीना दे रखा है, नीचे स्पॉइलर में ही माउंट आपको स्टॉप लैंप देखने को मिलती है जो कि बहुत ही वेल मैं बोलूँ माउंटेड हो रखी है, क्योंकि कुछ होती हैं जो ऊपर से लगाई जाती है बट ये अंदर की तरफ से एडजस्ट की हुई है, तो ये एक अच्छी प्रोफाइल को बनाता है बताता है इसको। कुछ डिफॉगर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है और वाइपर सेटअप भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। जीप की बैजिंग इसमें देखने मिल जाती है। अब जीप एक ऐसा ब्रांड है जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी गाड़ी पूरे काफिले में अगर जारी होगी ना तो सबको पता पड़ जाता है कि भाई यहाँ से जीप निकल के जा रही है। इंजन का रिफाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बट इससे पहले मैं एक नई चीज़ इसमें बताऊँ कि जो बूट स्पेस है मैं बड़े आसानी से ओपन कर सकता हूँ।
इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट सॉरी इलेक्ट्रिक टेल गेट इसमें आता है, तो मैं ऑटोमेटिकली अगर मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से ये ओपन हो जाती है। तो क्योंकि मेरे को ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हाइड्रोलिक स्टड इसमें दिए जाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखे हैं, हाई अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं और थोड़े से हैवी टाइप के भी देखने मिल जाते हैं। बूट स्पेस इसमें 438 लीटर समथिंग आपको देखने को मिल जाता है, स्प्लिटेड मिल जाता है क्योंकि अंदर की तरफ से भी आप इसमें कुछ ना कुछ सामान या एसेसरीज जो रखना चाहो आप रख सकते हो। और नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने मिल जाता है, अगर मैं इसको पुश करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील या कुछ लोग स्टेपनी बोलते हैं वो भी इसमें देखने को मिल जाता है, बटन दी जाती है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली टेलगेट बंद हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, दो सेकंड का डिले लेकर के ऑटोमेटिकली, ताकि सेफ रहे। एस की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है। तो ये नीचे आपको रिफ्लेक्टर अगेन टो हुक दिया गया है और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह दिए गए हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके सेकंड रो की तरफ। फ्यूल टैंक यहाँ पे दिया गया है इसका क्योंकि डीजल वाला है, तो बहुत ही शानदार सा मेरे को यहाँ पे एक तो सेकंड रो देखने को मिल जाती है। कंप्लीट डार्क इंटीरियर के साथ में पूरी की पूरी गाड़ी मेरे को देखने को मिल जाती है। डोर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम डोर को देखते हैं तो यहाँ पे एक तरीके का सिल्वर फिनिश के साथ में मेरे को डोर हैंडल वगैरह देखने को मिल जाता है। ट्विटर का प्लेसमेंट ऊपर और नीचे स्पीकर का प्लेसमेंट देखने मिल जाता है। बॉटल यहाँ पे रखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे बॉटल के लिए भी अच्छा सा डिसेंट सा स्पेस मेरे को देखने को मिलता है। और आर्म रेस्ट पैसेंजर के लिए बहुत ही अमेजिंग है, लेदर फिनिश के साथ में एक डार्क कलर का मटेरियल इसमें यूज किया गया है। विंडो कंट्रोल भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है रोल डाउन फीचर्स के लिए। किसी भी कार में कंफर्ट हाई लेवल प्रायोरिटी होती है, क्योंकि गाड़ी सिर्फ इस वजह से मत खरीदो कि वो लग्जरी है, बट क्या उसमें आपको वर्थ बाइंग कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो क्योंकि मेरी अभी हाइट 5'9" है और मैं कंफर्टेबली इसमें बैठा हुआ हूँ, बकेट टाइप की आपको सीट इसमें हल्की से दिख जाएगी क्योंकि हल्की सी ना ऊपर की तरफ टर्न हो रखी है, ये साइड में जो है आपको एक बकेटिंग फील हो जाती है तो वो दे रखा है। और यहाँ पे आपको एसी वेंट वगैरह भी दिए गए हैं, तो थोड़ा सा एसी वेंट नीचे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लाइट दे रखी है ग्रैब हैंडल के जस्ट ऊपर ही, हैलोजन लाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये ओवरऑल इंटीरियर बैक पोजीशन का आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ। अंदर जाते ही मेरे को कुछ चीजें देखने को मिलती है, सबसे पहले डायरेक्ट तो मैं अंदर चला ही जाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ये जो सीट आती है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है, मैं रिक्लाइन डिक्लाइन का भी ऑप्शन मेरे को दिया जाता है जो कि इस तरफ में है, और डोर के विंडो के जितने भी कंट्रोल्स है वो देखने मिल जाती है। सेकेंडरी चीज इसमें मिलती है मेमोरेबल सीट, इसमें मिल जाती है मेमोरी सेटअप देखने को मिल जाता है। दो ऑप्शन मेरे को इसमें देखने को मिलते हैं, 1 और 2 देखने मिलते हैं। जैसे दो बंदे कोई भी अगर इस गाड़ी को रेगुलरली चला रहे हैं उनका कोई फिक्स्ड सिटिंग अरेंजमेंट है वो उसको मेमोराइज करा सकते हैं, जब भी वो आना अंदर जब भी ड्राइविंग के लिए आएंगे कंफर्टेबली वो उसको सेट कर सकते हैं। डिसेंट सा मेरे को आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है लेदर फिनिश के साथ में, फुली वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि कंट्रोलेबल है, फुली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहां पर मेरे को मिल जाता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, बहुत ही शानदार है, अमेजिंग। पार्किंग के लिए यहाँ पे कोई हैंड ब्रेक नहीं देखने को मिलता है, हैंड ब्रेक के लिए कुछ भी यहाँ पे गॉज आपको देखने को नहीं मिलता है, बट इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे होल्ड देखने को मिल जाता है। अगेन आपको यहाँ पर अलग अलग मोड सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि अगर मैं मोड ऑन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के मोड वगैरह दे रखे हैं, सैंड मड स्नो ऑटो, तो ये कुछ कुछ ऑप्शन आपको दिए जाते हैं जो बहुत ही अमेजिंग। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये पार्किंग वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगी कि ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, इसके चारों टायर ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मैनुअल ऑप्शन भी आपको एक तरीके से इसमें कर सकते हो क्योंकि इसको आप यू करके सेट करके ऑन करके अगर मैं दिखाऊंगा तब हो जाएगा। यहाँ से मैं सैंड मड स्नो और ऑटो ये मोड सेट कर सकता हूँ क्योंकि फोर व्हील ड्राइव है, तो उसका ऑप्शन मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। लो होल्ड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे हिल होल्ड असिस्ट का भी मिल जाता है, और 4WD फोर व्हील ड्राइव का मैं लॉक भी कर सकता हूँ। तो ये थे इसके कुछ गियर बॉक्स के, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के अमेजिंग से फीचर्स। और अंदर में आपको मिल जाती है 10 इंच की बहुत ही शानदार सी, अभी तक मैंने किसी भी ब्रांड की गाड़ियों की डिस्प्ले इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं देखी है जितनी जीप कंपस की मेरे को देखने को मिली है। अलग अलग फीचर्स में देखने को मिल जाते हैं, जैसे सेटिंग, डिवाइस मैनेजर, एफएम रेडियो, फोन और स्टोर नोटिफिकेशन, बहुत सारी कैटेगराइज वे में मेरे को चीजें देखने को मिलती है, मैं सबको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द डिस्प्ले और द फीचर्स ऑफ जीप कंपस। तो अलग से चीजें जो मिल जाती हैं वो यहाँ पे और ऑप्शन दे रखे हैं, एसी के कंट्रोल्स वगैरह, एसी वेंट आपको देखने मिल जाता है, और मिल जाता है प्रीमियम सा डैशबोर्ड जो कि एक आता है शानदार सी एल्युमिनियम टच डिजाइन के साथ में। ये एक बहुत ही अमेजिंग सी डिजाइन दे रखी है जो कि पूरे के पूरे डार्क इंटीरियर को अलग से एनहांस
कर देता है। तो ये है अमेजिंग सा फीचर। ऑटो डिमिंग आईआरबीएम के साथ आईआरबीएम आपको देखने को मिल जाता है, ट्रैफिक में या कहीं पे भी वो ऑप्शंस आपको मिल जाता और है। और सबसे अमेजिंग चीज जो है ना, इस गाड़ी की लग्जरी को एक चार चांद के बाद पांचवा जो चांद है ना, वो चांद यहाँ से लगा जाता है। इसको बोलते हैं पैरानोमिक सनरूफ। बहुत ही बड़ी, जैसे एमजी की गाड़ियों में भी बड़ी वाली जो सनरूफ आती है ना, सेम सनरूफ आपको इसमें देखने मिल जाती है। बट एक चीज यहाँ पे मिसिंग रहेगी एमजी के कंपैरिजन में, कि मैं इसके जो सनरूफ को ना डिस्प्ले से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये ऑप्शन उसमें दे रखा है और एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन उसमें देखने मिलता है, बट इसमें वो फीचर मिसिंग है। जो रियलिटी है वो बताने का काम है, जो है वो है। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, और क्योंकि ऑटोमेटिक है तो आपको पहले ब्रेक प्रेस करने के बाद में स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है वो आपको प्रेस करनी होगी। तो मैंने ब्रेक दबा रखी है और मैं इसको वो करता हूँ, तो इस तरीके का कंपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग है, पूरी फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिल जाता है। फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको नेविगेशन सिस्टम डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, और जिसको आप अप डाउन भी कर सकते हो और आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो। जीप की बैजिंग इसमें देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीजें एज इट इज देखने को मिल जाती है। वाइपर के कंट्रोल इसमें राइट साइड में होते हैं, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट के कंट्रोल्स, आपको यहाँ साइड में दिए जाते हैं। बेसिकली आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो किस तरह की लाइट वगैरह, प्रोजेक्टर यहाँ से सेट कर सकते हो, इस तरीके के ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ डोर हैंडल की, ड्राइवर सीट की, तो यहाँ पे आपको ORVM का सेटअप देखने मिल जाता है। यहाँ पे ORVM को कंट्रोल देनी है, विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, मेमोरी फंक्शंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये जो आप मेमोरी फंक्शन देख रहे हो, वन और टू, टू मेमोरी फंक्शन के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहां से आपको अगर किसी भी तरीके का इशू होता है ORVM में सेट करने के लिए, या यहां पे आपको फॉग जमा हो जाता है, तो डिफॉगर का प्लेसमेंट सही जगह पे बहुत अमेजिंग तरीके से किया गया है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि यहां पे डिफॉगर सही से काम कर नहीं पाता है, और ये भी अपना ब्लरी हो जाता है। यहां पे आपको इस तरीके का डिफॉगर देखने मिल जाता है, सब वूफर का सेटअप भी यहां पर ही कर रखा है, अपने गणपति भी देखने मिल जाते हैं, डिस्प्ले वगैरह। तो ओवरऑल प्रोफाइल इसमें ये देखने को मिल जाती है। एयरबैग्स का सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, ग्लोबल एनकैप रेटिंग इसको ऑब्वियसली एडल्ट और चाइल्ड के लिए 6 मिला हुआ है, तो ये इसकी ओवरऑल प्रोफाइल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आर्मरेस्ट ओपन करने के बाद में इतना डिसेंट सा स्पेस देखने मिल जाता है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो ये है। और सेकेंडरी चीज हमको यहाँ देखने मिल जाती है, कप होल्डर देखने मिल जाता है, और ये कूलिंग वाले फंक्शन के साथ में नहीं आता है गाइस, तो इसमें कूल वाला फंक्शन देखने को नहीं मिलता है। और मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ एक बार। इसको बंद करने के बाद में सनरूफ तो खैर मैंने यहाँ पे दिखा दिया, उसके कंट्रोल्स भी यहाँ पर हैं, और सनवाइजर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद में जो डार्क इंटीरियर है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये है इसका कंप्लीट डार्क इंटीरियर, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और अब मैं चलता हूँ बाहर की साइड में, आपको बोनट इसका इंजन भी दिखाता हूं। तो इंजन बे के लिए इसके कंट्रोल्स नीचे दे रखे हैं, तो चलते हैं अब इसका इंजन भी दिखाता हूं। और तो चलते हैं अब बाहर की तरफ में, और मैं इसका अब इंजन भी ओपन करके दिखाता हूं, तो किस तरीके का इसका इंजन बे है और क्या क्या इसकी इंजन प्रोफाइल है। तो पहले इसका ओपन कर देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा हैवी है इसका इंजन बे है। ओ भाई साहब, किसी भी तरीके का हाइड्रोलिक स्टड आपको देखने को नहीं मिलता है, बट इसका जीप का टर्बो डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। डीजल के ज्यादातर इंजन जो आते हैं वो टर्बो ही आते हैं बेसिकली। और तो इसमें आपको 2 लीटर का मल्टी जेट इंजन देखने को मिल जाता है, 2000 cc भी इसको बोला जाता है। 170 PS की पावर जनरेट करता है, और 350 Nm का टॉर्क इंस्टॉलेशन कंप्लीटली दिया गया है। और रिफाइंड इंजन इतना है कि इसके आवाज जो है अंदर तक नहीं आती, वेल रैप्ड इंजन आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई गाइस भारी तो बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको बंद कर देता हूं। तो ये इस तरीके की पूरी गाड़ी की प्रोफाइल हो जाती है, बहुत ही शानदार और अमेजिंग सी लग्जूरियस गाड़ी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।